गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको ईवीएस में बैलेंस डाइट के बारे में बताएंगे, जिसे हम हिंदी में संतुलित आहार भी कहते हैं। अ बैलेंस डाइट इज अ वाइटल फॉर अ पर्सन टू हैव अ हेल्थी बॉडी। एक व्यक्ति के स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। कंज्यूमिंग जंक फूड ऑफ्टन इज नॉट सुटेबल फॉर अवर हेल्थ। और जो जंक फूड होता है उसका सेवन करना हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। अब आपको पता है जंक फूड किसे कहते हैं, जैसे चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्जा। आपने देखा है आजकल बच्चे इस प्रकार के फूड को बहुत पसंद करते हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अ बैलेंस डाइट इज वन दैट इंक्लूड फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स। संतुलित आहार वह है जिसमें सभी प्रकार के खाद्य समूह का भोजन शामिल होता है। द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी इज कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से हमें बहुत एनर्जी मिलती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड अस विद इनसेंशियल विटामिन दैट कीप अस हेल्दी। ठीक है, फल और सब्जी हमें आवश्यक विटामिन प्रदान करते हैं। प्रोटीन हेल्प चिल्ड्रन ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्ग। और जो प्रोटीन होता है वो बच्चों को बढ़ने में और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। ठीक है, वी शुड अवॉइड ईटिंग टू मेनी स्वीट्स। हमें ज्यादा मीठा खाना अवॉइड करना चाहिए, हमें ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा मीठा खाने से हमें क्या हो जाता है, शुगर हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें स्वीट्स को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। ऑल दीज फूड ग्रुप्स अलाउ अवर बॉडीज टू फंक्शन करेक्टली। ठीक है, ये सभी खाद्य समूह हमारे शरीर को सही ढंग से कार्य करने की क्या करते हैं, अनुमति प्रदान करते हैं। अ बैलेंस डाइट मेक अस मोर फिट एंड एक्टिव, इट हेल्प इम्प्रूव अवर वेल बीइंग। यह हमारे शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाने में क्या करता है, मदद करता है। कौन, बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट हमारे शरीर को फिट और सक्रिय बनाने में क्या करता है, मदद करता है। इसलिए हम सबको क्या लेना चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट से रिलेटेड मैंने आपको एक चित्र बनाया है, इसमें बताया गया है कि किस मतलब फूड को खाने से हमें मतलब कहाँ फायदा होता है। जैसे ये फिश है, ठीक है, ये मीट है, इससे ब्रेन, इस तरह का आईज, हार्ट, सब ये मैंने बताया है। आप इस चित्र को ड्रॉ करेंगे और आई होप आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।